गाली दो आलोचना करो पर कम से कम मैच देखने एक बार स्टेडियम तक आओ। ये शब्द थे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दर्शकों से फुटबॉल देखने के लिए स्टेडियम तक आने की अपील की है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिकेट को भारत में एक धर्म के जैसे पूजा जाता है, वहीं उसके प्लेयर्स को भगवान तक माना जाता है। क्रिकेट मैच के दौरान अक्सर ही स्टेडियम्स खचाखच भरे रहते हैं, पर अभी सुनील छेत्री की इमोशनल अपील के बाद मानो सब कुछ बदल सा गया हो। उन्होंने अपील में इंडियन फुटबॉल टीम को खेलते हुए देखने के लिए बोला और उनका ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि अगले मैच में फुटबॉल टीम को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे। यहां तक कि मैच के टिकट के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। जिस तरह का रिस्पॉन्स भारतीय फुटबॉल को उस दिन मिला, कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉल के लिए लंबे समय तक चाहते हैं। सुनील छेत्री उस रात के हीरो रहे और मैच में दो गोल भी दागे। आज के समय में वे भारत के सबसे चहेते फुटबॉलर्स में से एक हैं। उनका ये सफर काफी रोमांचक रहा है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम उनके इस सफर को और करीब से जानते हैं। सुनील छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 को आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में हुआ। उनके पिता का नाम केबी छेत्री और माँ का नाम सुशीला छेत्री है। सुनील छेत्री के पिता इंडियन आर्मी में थे और वो इंडियन आर्मी के लिए फुटबॉल खेला करते थे। उनकी माँ भी नेपाल की नेशनल टीम के लिए फुटबॉल खेला करती थी। सुनील के परिवार में स्पोर्ट्स को लेकर काफी अच्छा माहौल था और शायद अपने माता पिता को देखकर ही सुनील ने भी फुटबॉल खेलना शुरू करा। वह बहुत ही छोटी सी उम्र से फुटबॉल खेलने लगे थे और कब उनका खेल उनका सब कुछ, उनका जुनून बन गया पता ही नहीं लगा। बचपन में जब उनके फुटबॉल शूज फट जाते थे तो वह अपने पिताजी से नए जूतों की डिमांड ना करके अपने पुराने जूतों को ही सिलकर वापस पहन लेते थे, क्योंकि वह जानते और समझते थे कि उनके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति उस टाइम पर इतनी स्ट्रांग नहीं थी। सुनील छेत्री के पिता आर्मी में थे, इसीलिए उन्होंने कई अलग अलग जगहें जैसे गैंगटॉक, दार्जिलिंग, कोलकाता और दिल्ली के अलग अलग स्कूल से अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ वह फुटबॉल तो खेल ही रहे थे। 12वीं के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान फुटबॉल पर लगा दिया और पढ़ाई छोड़ दी। वैसे तो ये निर्णय बहुत कठिन था, क्योंकि तब भी इंडियन फुटबॉल की ज्यादा अच्छी हालत नहीं थी, पर सुनील छेत्री को अपने खेल पर पूरा भरोसा था और कभी ना कभी तो किसी को आगे आना ही था। सुनील छेत्री ने अपना करियर दिल्ली सिटी फुटबॉल क्लब की ओर से खेलकर 2001 में शुरू किया था। इसके बाद वे कई अलग अलग क्लब्स की ओर से खेले, जिनमें मोहन बगान, जेसीटी, डेम्पो, कैंसस सिटी विजर्ड्स, स्पोर्टिंग क्लब द पोर्चुगल और मुंबई सिटी जैसे क्लब्स शामिल हैं। उन्होंने हर क्लब की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को बेहतर करने में मदद करी। 2004 में सुनील छेत्री को पहली बार भारत की अंडर 20 टीम में खेलने का मौका मिला, पर उस वक्त वह कोई भी गोल ना कर सके। पर क्लब लेवल पर शानदार प्रदर्शन करने की वजह से 2005 में ही उनको इंडिया की सीनियर टीम से खेलने का मौका मिला और पहला गोल उन्होंने भारत की विरोधी टीम पाकिस्तान के खिलाफ किया। इसके बाद तो वह एक के बाद एक मुकाम हासिल करते गए और ऊंचाइयों को छूते गए। 2007 में सुनील को उनके शानदार प्रदर्शन के चलते AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। वह अपने करियर में कई फॉरेन क्लब्स की ओर से भी खेल चुके हैं, जिनमें कांसास सिटी विजर्ड्स जैसे क्लब्स भी शामिल हैं। वह साउथ एशिया के बाहर खेलने वाले तीसरे इंडियन प्लेयर हैं। इसके अलावा सुनील छेत्री MLS में खेलने वाले भी पहले इंडियन प्लेयर बन गए। ये भारतीय फुटबॉल के लिए सच में गौरव का पल था। भारत की फुटबॉल टीम का लेवल भी अब ऊपर उठने लगा था। उनके टैलेंट को देखते हुए 2012 में उनको भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई और तब से यही भारतीय फुटबॉल की कप्तानी संभाले हुए हैं। 2015 में सुनील छेत्री को मुंबई सिटी ने 1.2 करोड़ में खरीदकर मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फुटबॉल प्लेयर बना दिया। इसके बाद तो वह अपने क्लब, अपने देश के लिए कई मैच जिताऊ गोल्स दाग चुके हैं और आज के समय में वह रोनाल्डो और मेसी के बाद थर्ड मोस्ट एक्टिव गोल स्कोरर हैं, जो कि इनके टैलेंट के लेवल को बखूबी दर्शाता है। भारत में अगर कोई फुटबॉल को पहचान दिला सकता है तो वह है सुनील छेत्री, क्योंकि इस समय भारत में कोई फुटबॉलर सबसे ज्यादा जाना माना और फेमस है तो वह यही हैं, जिनकी मात्र एक अपील के बाद ही स्टेडियम खचाखच भर गया था। आज की हमारी ये वीडियो भी भारत में फुटबॉल को बेहतर बनाने की दिशा में एक छोटा सा कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आगे फुटबॉल और दूसरे उन सभी गेम्स को सपोर्ट करेंगे जिनको एक पहचान की जरूरत है। दोस्तों, हम अगली कौन से फुटबॉल प्लेयर पर वीडियो बनाएं, आप हमें ये बात कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।
और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।